What's up guys, it's your North Indian Admin Ocha. आज हम कर रहे हैं Splitsvilla X5 contestants की tier list. And before I say anything, हम जो भी discuss करेंगे सब jokes है. Live chat में आप मेरे साथ हो, हम discussion करेंगे, हम बातें करेंगे. And जिसकी भी audience को बुरा लगे, वो please अपने मन में मुझे गाली दे. और मेरे कमेंट सेक्शन में ना आए, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ. मेरे को अपनी ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टू द Splitsvilla टियर लिस्ट गाइस, लेट्स डू इट. वी नाउ हैव द Splitsvilla X5 टियर लिस्ट. यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स हैं, होपफुली. एक बात बताओ, स्टार्ट किससे करना है? आई वंडर, यहाँ पे एक टियर है पूरा, एक फुल टियर 40 रुपए क्यों है? तो भाई ये 40 रुपए जो यहाँ है, ये फॉर अ रीजन है, पता है? ये मेरे को क्लियर कर देना है पहले से, है ना, बाद में कोई कंफ्यूजन डिस्कशन ज्यादा हो ना भाई. ये टियर एक स्पेशल टियर है फॉर 40 रुपए, क्योंकि ये बहुत मेरे दिल के करीब है. इट्स फॉर राजा एंड निधि. वो है आइडियल मैच एक दूसरे के लिए, है ना भाई. और मैं जरूर उनकी शादी में एक दिन 40 रुपए उन्हें शगुन के नाम पे देना चाहूंगा. नेक्स्ट किसको करना है भाई? आईडी से चालू करना है भाई. ओके, तो भाई देखो, आईडी का सीन ऐसा है भाई कि ये 5 साल से 19 साल का ही है. इससे एक ही चीज है भाई, इसने मुझे एक दिन बोला था कि इसको गुस्सा बहुत आता है, बट ये रोमांटिक भी है. इसका गुस्सा भी देखा है इस सिलसिले पे, ठीक है. शो को काफी एफर्ट दिया है इसने, है ना. एडी आई फील लाइक शुड गुड तो है भाई. देखो गुड तो है, ही वाज गुड, ही इज अ लिटिल इमैच्योर. जोक सपार्ट, ही वाज 18 इन रोडी, सो ही इज 19 इन Splitsvilla, तो वो अपनी एज के हिसाब से सही है. आई थिंक ही इज आल्सो द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन Splitsvilla. मुझे एक बात बताओ, अभी तक एडी है शो में? एलिमिनेटेड? क्या बात कर रहे हो, गया एडी, गॉन. अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो भाई. तो भाई आई थिंक इसको गुड भाई पे ही रख देना चाहिए. आई थिंक उसकी रन अच्छी थी अभी तक, उसको कनेक्शन भी मिला, उसने झगड़े भी करे, उसने प्यार भी दिखाया, उसने प्यार के आगे का इजहार भी दिखाया. तो आई थिंक एडी को गुड भाई तक ही रखना चाहिए, है ना भाई. कशिश इज नाउ पेयर्ड अप विद दिग्विजय. वो तो कशिश पे ही आ जाते हैं गाइस. कशिश इज वेरी गुड विद टॉकिंग, है ना, तो गुड भाई से स्टार्ट करते हैं. एंड अगर दिग्विजय के साथ कनेक्शन बनाया तो भाई व्हाट, एक सेकेंड, दिग्विजय और उन्नति नीते साथ में क्या चल रहा है भाई? उन्नति एलिमिनेटेड, अरे बाप रे. तो दिग्विजय इज नॉट विद उन्नति इन द शो एनीमोर, तो उसने नया कनेक्शन बना लिया, विच इज स्मार्ट, विच इज ग्रेट, अनलाइक मी. आई वुडंट डू दैट. ओके, आई थिंक वी शुड गो अहेड टू अरबाज. मत करो यार, तुम गलत कर रहे थे भाई. अरबाज भाई, अगर आप मैरिड हो लाइफ में तो मत करो यार, अगर आप हो तो. वैसे तो देखो, अरबाज शुरू से मेरे साथ बहुत सही था. ओवरऑल शो के हिसाब से एक दो स्टूपिड चीजें हुई थी भाई. टास्क था कि तुमको अपना सीक्रेट छुपाना है, उसने उसी सीक्रेट को बोल दिया. तो आई थिंक वो तो नहीं करना चाहिए था यार अरबाज तुमको, दैट इज वेरी बैड. आई थिंक अरबाज लेकिन अभी दूसरा शो कर रहा है, एंड दैट इज बिग बॉस. तो आई थिंक अरबाज शुड बी इन द दूसरा शो करो कैटेगरी. अच्छा गाइज, तो अरबाज के लिए हमने सब यही डिस्कशन कर लिया है ना, उसको दूसरा शो करना चाहिए अगर उसकी शादी हो चुकी है. Which brings us to the most deserving, the winner material, शोभिका, जिसको इस शो से कोई ही निकाल ही नहीं पाया और बिना कनेक्शन के एंड तक टिकी है ये लड़की. She is truly winner material. I know वो eliminate हो गई, I know, I am kidding, but winner material हो सकते हैं ना भाई. मैं क्या कह रहा हूँ कि विनर है शोभिका. आई थिंक एज अ पर्सन तो बढ़िया ही थी. आई थिंक युवराज के साथ बीच में कनेक्शन बनने वाला था, बट देन वो भी बन नहीं पाया. तो आई फील लाइक शोभिका वॉज प्रोबेबली नॉट राइट फॉर द शो. वीकेंड से दूसरा शो करो या वीकेंड से मत करो यार. अब शोभिका खुश है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक उसको नहीं करना चाहिए, है ना. और क्या है भाई, एंगेज विथ योर ऑडियंस. युवराज लूजर, क्यों भाई? युवराज पे आते, वो भी थोड़ा एज में छोटा ही था, उसको पीट भी दिया था एक दिन शिवित ने, दैट इज वेरी रॉन्ग. तो एक बार गलती से हम भी भिड़ गए थे एक टास्क में, और उसकी नाक टूट गई थी और मेरी गर्दन टूट गई थी, वो भी बहुत बुरा हुआ भाई के साथ. तो मेरे हिसाब से आई थिंक ही मत करो यार. अगला कौन है गाइस? लॉर्ड आयुष्मान ने शुरू में ऑफकोर्स अच्छा अटेम्प्ट, अच्छा था, है ना. जब मेरी खनक से बात हो रही थी तब आयुष्मान वाज आल्सो इन द पिक्चर, राइट, सो ही डिड द एक्सप्लोरिंग बिट, बट उसके बाद उसने कुछ नहीं किया शो में. मे बी ही वाज आल्सो नॉट राइट फॉर दिस शो, राइट. तो आयुष्मान को हम डालेंगे मत करो यार में, है ना. एंड युवराज उससे ज्यादा टिका था. आई एम नॉट श्योर कि वो जीता है हारा कौन से टास्क, बट नोटिसेबल नहीं था मेरे हिसाब से. समथिंग अबाउट उन्नति, चलो उन्नति पे ही आ जाते हैं गाइस. तुम लोग ना इतना अभी स्ट्रेस ले
रहे हो ना, मैं नहीं चाहता तुम लोग स्ट्रेस लो। गाइस स्प्लिट्सविला की इतनी बात करी ली है तो एक सवाल जो आप मुझसे सबसे ज्यादा पूछते हो, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माय स्किन। इतने टास्क वगैरह आउटडोर परफॉर्म होते हैं इतनी धूप में। आई थिंक द बेस्ट थिंग जो मैं हर रोज लगाता था वॉज द सनस्क्रीन। मतलब कुछ भी मौसम हो मैं सनस्क्रीन के बिना नहीं निकलता था। स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है यार, इवन लड़कों के लिए। एक्चुअली तुमको मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज करता था। ये जो अल्ट्रा आर एक्स सनस्क्रीन सीरम है लोटस हर्बल्स का, लोटस हमेशा से मेरे घर में लोग यूज करते हैं तो मैंने सोचा इसका सनस्क्रीन भी ले लेता हूँ। बट इट्स एक्चुअली अ सनस्क्रीन सीरम विद एसपीएफ 60। बहुत लाइट वेट है यार लगाने में भी। एंड दो बढ़िया इंग्रेडिएंट सीका एंड हाइलुरोनिक एसिड जो पूरा दिन हाइड्रेटेड रखता था मेरी स्किन को, एंड मैं रीअप्लाई भी कर ही लेता था। इसमें कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं रहता, 10 से 15 सेकंड में ब्लेंड हो जाता है। और भाई ये डर्मैट से टेस्टेड भी है तो आपको कोई एक्ने का इशू भी नहीं होगा। अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, आप वहां से जाके इनकी वेबसाइट से ले सकते हो या फिर अमेजोन और नायका पे भी अवेलेबल है। लेट्स कम टू उन्नति। प्ले ग्राउंड में सबको पता था, अब इसकी स्प्लिट्स वाला परफॉर्मेंस पे आते हैं। स्टार्टिंग ग्राफ वॉज नॉट दैट ग्रेट, यू नो द कोर्ट रूम एंड द एलिगेशन पार्ट। अब कितना उसके साइड से था, कितना शो के प्रेशर में उसने जो भी बोला या जैसा भी था, इट डिडंट वर्क आउट वेल। बट उसका ग्राफ ऊपर हुआ जैसे दिग्विजय के साथ कनेक्शन बना। आई फील लाइक दैट वाज एन अपवर्ड्स ग्राफ। आई थिंक उन्नति वाज गुड भाई। आई थिंक एक परफॉर्मेंस था उन्नति का जिसमें हार्ट्स फेंकने थे या कुछ करने थे, कि उसने 5 कैच कर लिए थे भाई। आई थिंक दैट परफॉर्मेंस वाज क्रेजी। लाडला नेक्स्ट। ओके हम लोग अगला जाएंगे देव पे, ठीक है। बट पहले बताओ उन्नति गुड भाई रखें या इसको मूव करना है। गुड वेरी गुड, गुड वेरी गुड, मिक्स्ड ओपिनियंस है गाइस। देखो मेरे को मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं, तो वील टेक इट वन, यू नो वील टेक उन्नति आईडी से एक स्टेप ऊपर, है ना। देखो ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता ना तो मेरे ओपिनियंस होते बायस्ड, है ना। मैं चाहता हूँ कि सबके साथ हम ये टियर लिस्ट बनाएं। और क्या भाई, डॉक्टर एरिका पे आते हैं। वेयर इज डॉक्टर एरिका? बाप रे को कैसी दिखती है, मैं भूल गया भाई, मैं भूल चुका हूँ कहाँ है भाई डॉक्टर एरिका, कहाँ है। ओ भाई साहब ब्रो, जेन्युइनली मुझे याद नहीं, मैं भूल गया था। आई थिंक लेट्स कीप हर एट, मत करो यार, है ना। आई थिंक डॉक्टर है वो, आई थिंक शी शुड एंगेज विथ योर ऑडियंस। हम भी भूल गए थे अबे यार चैट कितनी आरामी है भाई। अब किस पे जाना है भाई, लेट्स टॉक अबाउट अमेहा। ऐसा लगा तो था अमेहा इज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, बट आई एम नॉट श्योर हाउ गुड शी वाज, बट यू गाइस हैव टू टेल मी। अमेहा बेस्ट परफॉर्मर, गुड, बेस्ट फीमेल परफॉर्मर। आई थिंक अमेहा को खतरों के खिलाड़ी जाना चाहिए, है ना। आई थिंक शी इज मोर बिल्ट फॉर खतरों के खिलाड़ी। जो उसने एक उसका देव के साथ शुरू से कनेक्शन बना था, बट फिर लेटर उसी ने देव को निकालने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वर्ड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। फ्लिपर, अकॉर्डिंग टू MTV यू आर नॉट अलाउड टू बी फ्लिपर अनलेस यू हैव गुड रीजन, अनलेस योर रीजन इज ओ मैंने दोस्त के लिए किया। एंड अगर तुमको दोस्त को धोखा देना है तो तुम बोल सकते हो कि अरे नहीं मैंने कनेक्शन के लिए किया, तो उससे खेलना आना चाहिए। चीन टपाक डम डम पे जाना है। हम यहाँ पे आई गए तो लाडले पे आ जाते हैं। ये हमारा लाडला 7 करोड़। लाडले पे आए तो भाई हाइट बहुत ज्यादा है भाई की, शायद एक या दो टास्क साथ में परफॉर्म किए थे। आई थिंक ही वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। बट आगे का उसका ग्राफ मैंने सुना है कि थोड़ा डाउन चला गया, क्योंकि ऐसी कुछ झगड़े हो गए थे जिसमें कोई सेंस नहीं बना रहा था, ऐसा भी मैंने सुना था। तो आई थिंक ही इज ऑल्सो इन द दूसरा शो गैंग, एंड ही इज आई थिंक अमेया के ऊपर है वो। एंगेज विथ योर ऑडियंस। आदित्य शिवी किस्ड इन ब्लॉग। भाई यार ये उस पे आते हैं, हराम खोर आदमी पे आ जाते हैं भाई, ये घटिया इंसान, नीच आदमी, इसको क्या प्रॉब्लम है भाई। मैं कहीं घर में घुसू, किसी और के घर में थे हम, मैं जा रहा हूँ हर्ष के घर पे, ये क्यों आ रहा पप्पी लेने मेरी भाई। इसको मैं मत करो यार, मैं डाल दूंगा भाई, मैं इसको 40 रुपीज में डाल दूंगा। देखो शिवित वैसे देखा जाए तो परफॉर्मर तो है भाई, टोटली विनर मटेरियल। शिवित ने 10 में से 10 टास्क जीते हैं गाइस, बस वो टास्क कोई दूसरे शो पे थे शायद, कोई गहरा हग्गू। गाइस यहाँ पे हग्गू का टियर नहीं है, ठीक है। एंगेज विथ योर ऑडियंस। आदित्य भी डेलुलू है। डेलुलू द फक भाई। शिवित शो के बाहर भी निकला, फिर शो ने उसको वापस भी लाया। अब वो यही सोच के लाए होंगे ना कि भाई विनर मटेरियल है, हग्गू मटेरियल भाई, ये बायस्ड है। अभी देखो जैसे ही शिवित और दिग्विजय की बात आती है ना, चैट भी क्रेजी हो जाता है। दिग्विजय की ऑडियंस शिवित को पसंद नहीं करती, शिवित की ऑडियंस दिग्विजय को पसंद नहीं करती, राइवलरी। चलो भाई सचिन पे आते हैं। तो सचिन भाई क्वाइट लिटरली फ्लिपर है, क्योंकि वो फ्लिप मारते रहता है। आई हैव नेवर हैड अ कन्वर्सेशन विद सचिन जिसमें 2 सेंटेंस के बाद उसने एक बैक फ्लिप ना मारा हूं। तो आई थिंक गुड भाई, वेरी गुड, मतलब गुड अच्छी बात है भाई। क्या सचिन अभी भी शो में है गाइस? इससे पहले मैं फुकट की तारीफ वारीफ कर दूं फिर कोई बोलेगा कि निकल चुका है। थोड़ा उसका आकृति वाला एंगल मुझे समझ नहीं आया, उससे झगड़ा भी किया, उसके लिए रोया भी, इमोशनल है बंदा थोड़ा, जो स्प्लिट्सविला के हिसाब से एकदम मसाला है भाई। देखो एलिमिनेटेड, बाप रे।
क्या बोलूं मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंगेज विद योर ऑडियंस। अब आते हैं आकृति पे, टेल मी योर कंट्रोवर्शियल ओपिनियन गाइस। मेरे हिसाब से देखो गाइस, आकृति ने शो को बहुत ज्यादा टीआरपी दिया है ना, उसकी जो भी फाइट्स हुई है, ऐसा हुआ है डोम में कि सबने उसको कॉर्नर कर दिया, फिर उसने ऐसा लोगों ने बोला है कि भाई वो ऐसी है या वो वैसी है, वो अच्छी है वो बुरी है, तो मेरे हिसाब से वो विनर मटेरियल तो है। 40 रुपीज में कौन डालने कह रहा है मुझे उसको, 40 रुपया कट ओवर एक्टिंग का। ए भाई यार तुम लोग कितने आरामी हो भाई, चैट बहुत आरामी है। एंगेज विद योर ऑडियंस। देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, देख ऑनेस्ट ओपिनियन ठीक है, मेरे हिसाब से विनर मटेरियल है यार। अभी इतने शुरू से लेके एंड तक एक ही उसका कनेक्शन रहा है ना, जसवंत के हम 40 रुपए काट सकते हैं क्योंकि उसकी शायद पेमेंट भी कटी है, उसके ज्यादा डायलॉग नहीं है पूरे शो में। एंड अगर आकृति विनर मटेरियल है तो मेरे हिसाब से जसवंत भी विनर मटेरियल है ना, क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो अच्छी है उसकी, बातें थोड़ी कम कर पाता है वो आकृति के सामने। राजा को विनर में डालो नहीं तो फोन तोड़ देगा। अरे भाई रुको, राजा को थोड़ी देर विनर बना देते हैं भाई फोन नहीं तोड़ना चाहता मैं, इसलिए मैंने राजा को डाल दिया विनर मटेरियल में। अगले आते हैं हम अनिका पे। अनिका को मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा भाई। अच्छा राजा को वापस अभी 40 रुपए के पास भेज देते हैं ना, निधि अकेले हो रही है, मेरा माउस खराब हो गया है। वेरी गुड कह सकते हैं क्योंकि उसने अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा क्राइंग्स किया है। टी वर्ड मैं चैट में नहीं देखना चाहता गाइस। अनिका को हम डालेंगे गुड भाई, गुड सीन, गुड भाई। बट अगर शिवित विनर मटेरियल है तो ये भी जीत सकती है। लक्ष्य पे आते हैं भाई। लक्ष्य भाई ने दिग्विजय का दोस्त बन के उसकी क्यूटनेस से शिवित और अनिका के झगड़े भी करवाए, अनिका के साथ वो आइडियल मैच भी बना, गुड भाई गुड। अनिका तो डिकिला की बात कर लेते हैं, गुड भाई गुड सीन। अरे निधि कहां से आ गई ऊपर, मेरा माउस खराब हो गया है। आई थिंक दे आर अ क्यूट कपल, गुड सीन। दिव्यांश और देवांगिनी आई थिंक अपने ही दुनिया में आए थे गाइस। दिव्यांश सिर्फ अपनी बंदी लेने आया था और वो ले गया, आइडियल मैच तो वो लोग जाते हुए बन गए। बताओ पहले तो इधर हमने सबसे बड़े विनर मटेरियल को कैसे छोड़ दिया, रिगडिन भाई। रिगडिन पता नहीं कैसे निकला, गॉड है भाई वो। आई थिंक रिगडिन का अलग होना चाहिए एक टियर, रिगडिन जॉड है भाई। डिजर्विंग विनर गाइस, ऑब्वियस विनर है लॉर्ड रिगडिन भाई, को कोई फर्क नहीं पड़ा था शो पे, भाई ने मस्त ड्राइवर से मांग के विमल खाया। बोलो सुभा केसरी। विनर मटेरियल तो है भाई, रिगडिन को मैं नहीं हटाऊंगा, मेरे लिए वो नंबर वन पे ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट कौन है गाइस, वी हैव रूरू। रूरू का सीन ये हो गया कि भाई आई थिंक शुरू में एग्जाइल में वो बहुत गुस्से में आई थी, फिर उसने देखा कि युवराज की नाक टूट गई एंड फिर कुछ हो नहीं पाया, ना कनेक्शन बना ना उसका झगड़ा हुआ, हमने कुछ देख ही नहीं पाया। तो आई थिंक रूरू को मत करो यार बोलना चाहूंगा मैं, भले ही वो मेरी कितनी भी अच्छी दोस्त हो गाइस, हम स्प्लिट्सविला के हिसाब से जज कर रहे हैं। हु इज नेक्स्ट, वी गॉट एसबी गाइस। मैं जब शो में था तब उसने जस्ट एंटर किया था, मैं ज्यादा जानता नहीं एसबी के बारे में इस शो पे। आई फील लाइक उसका एंगल अच्छा था, यू नो उसको लाना कि उसका आकृति के साथ झगड़ा और सचिन का, आई डोंट नो मैन, नॉट दैट इम्पैक्टफुल, तो आई वुड से मत करो। अब आते हैं भाई इशिता पे। उसने दिग्विजय को डेट कर रखा है पास्ट में, बीच में मैंने कहीं देखा कि शुभमन गिल ने भी उसकी फोटो लाइक कर रखी है। डैम चंडीगढ़ की पीट डेविडसन है वो, ठीक है। तो आई फील लाइक इशिता को हम डालेंगे गुड में। आई थिंक वी शुड मूव दीज टू अप। आई थिंक अनिकेत एंड डिकिला को हम ऊपर थोड़ा मूव कर सकते हैं, एक एक स्टेप है ना। मूविंग ऑन, नायरा गलत हुआ भाई, गलत हुआ है नायरा के साथ। आई फील लाइक उसको दूसरा शो करना चाहिए, इट वॉज नॉट गुड। उसका पहले ही वो रोडीज वाला झगड़ा शिवित के साथ, एंड व्हेन शी फाइनली मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, तब अरबाज ने भाई बाजी मार ली। बाहर का अलग गेम था अरबाज का, पता नहीं उसने शो के लिए किया जो किया। तो आई फील लाइक नायरा को खतरों के खिलाड़ी करना चाहिए, है ना। नायरा को थोड़ा अरबाज के पास रख देते हैं ना, क्यूटनेस मेंटेन रहे उन दोनों के बीच की। रुशाली एंड शुभी को हम एक नया टियर देंगे गाइस, बेस्टीज। आई फील लाइक बेस्टीज को यहाँ रख देना चाहिए, उनके बीच में मैं हर्ष को रखना चाहूंगा। ये बेस्टीज का जो टियर है ऊपर कर देते हैं ना, बेस्टीज में मैं डालना चाहूंगा इन तीनों को, क्योंकि आई थिंक हर्ष और रुशाली बहुत अच्छा कपल है, फिर हर्ष और शुभी भी आइडियल मैच है, फिर रुशाली और शुभी भी बहुत अच्छे दोस्त है। बर्म्यूडा ट्रायंगल यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। Now the mastermind of this game, let's bring in Digvijay Rathi, winner material for sure after Rigdin. Rigdin lord hai, hum usko disrespect nahi karenge, but definitely with winner material. I feel like usne jo eliminations kiye hain bahut crazy kiye hain, uske sare jhagde bahut crazy kiye hain, but I feel like obviously Digvijay ne jaisa bhi game khela hai bahut crazy khela hai bhai, bahut crazy khela hai. And imagine this coming from a person jiske match ko bhi usi ne eliminate kiya tha vote deke. I think दिग्विजय का रोमांटिक एंगल भी आया है शो पे,
उसका कमबैक्स वाला, फिर उसकी वो स्माइल जिसमें लोग झगड़ा हो जाता है, लोग थोड़े पागल हो जाते हैं. आई नेवर गॉट टू नो दिग्विजय बिकॉज आई न्यू शिवित पहले से, है ना. एंड उनका बीफ कंटिन्यूस था ऑन द शो, बट आफ्टर द शो मैं जैसे बोलता हूँ, जो लोग मानते नहीं, मेरी तो सबसे बातचीत होती है. अगर कोई मेरे बारे में कोई बुरा बोलता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि मेरे रियल लाइफ के दोस्त बहुत अलग है. अगर कोई शो पे मेरा दोस्त बनाए तो जैसे वो मेरे साथ है वैसे हैं. मैं नहीं देखता किसने क्या बोला है, किसने कभी क्या बोला है, क्योंकि मैंने भी बोला है भाई. मुझसे जब पंगे लेते थे तो मैं भी बोलता ही था उनको, है ना. दैट वॉज इट फॉर द टीयर लिस्ट गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर इस टीयर लिस्ट से आप एग्री करो या डिसएग्री करो, मेरे को कुछ मत बोलो गाइज. ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे किया है तो ये सारे लोगों के ओपिनियन है, ठीक है. मेरा कोई ओपिनियन नहीं है. एंगेज विद योर ऑडियंस.